आई होप सो, ये कोई अगर कोई तुम्हें बोले ना तुम आग लगाने में माहिर हो, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाईजान। हेलो, हाउ आर यू गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड मैं बैठकर नेटफ्लिक्स देख रही थी, सो यप, मैं आपको दिखा दूं नेटफ्लिक्स। आहिल, तुमने क्या क्या है? पता नहीं क्या 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 करता रहता है। सो यस, हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग वेंसडे, है ना? क्या देख रहे हैं? वेंसडे। क्यों? दैट्स व्हाई वी लाइक द मूवी। यू लाइक द मूवी? यस। ओके जी, दैट्स ग्रेट। ओके, अभी हम देख रहे हैं वेंसडे। वेंसडे के साथ हो गई है पेट में ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और जब ऐसा होता है तो आहिल हमें क्या चाहिए होता है? ब्राउनी, स्वीट्स, शेपिस पाय। ओहो, ओके। एंड ट्रीट्स। ओके, इतनी सारी चीजें तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन हम शुरू कर लेते हैं। 10 मिनट वाली ब्राउनी कैसे बन सकती है आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। मेरी हेड शेफ मुझे वहां बैठकर गाइड करेंगी, बताएंगी कैसे होगा ये सब कुछ। डेरी मिल्क आप लोग ये देख रहे हैं, सो वी गॉट 3 ऑफ दीज एंड नूरपुर बटर। ओके जी जनाब, हमने शुरुआत कर लिया है, बाल हल्के फुल्के बांध लिए हैं एंड आग लगाने की वो जो माचिस है वो चाहिए, क्योंकि मुझे आग लगाना नहीं आता। क्या आप लोग को आता है आग लगाना? आई होप सो, ये कोई अगर कोई तुम्हें बोले ना तुम आग लगाने में माहिर हो, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाईजान। डू नॉट बी दैट हैप्पी। तो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, हमने ये चॉकलेट्स के 3 जो स्लैब थे वो डाल दिए इसके अंदर, और अभी हम बटर डालेंगे, ठीक है, कि वो स्टिक ना हो पूरा का पूरा ना मामा। और बड़ा सिंपल सा है यार, आप लोग बाहर जाते हो तो आप लोग को एक कुकी कितने का बनता है? हाँ, बट सिर्फ ब्राउनी कुकी बच्चों को पसंद होता है, 200 कुछ का तो एक इतना सा मिलता है। आप आराम से विद इन द बजट आप एक प्रॉपर ब्राउनी घर पर बना सकते हैं, जो आपके बच्चे भी दिल खोल कर खा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको पता है इट्स सेफ आल्सो। इस मजाक से हटकर हम इस चीज़ को थोड़ा सा बटर को मेल्ट करेंगे। और मैं आप लोग को ये बता दूँ, हम घर में माशाल्लाह हम तीन बच्चे और 3 मामा और ये, तो ये जो भी लोग हैं, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप लोग कम, हमारी थोड़ी सी इतनी ही है, लाइक 3, 4, 6 है ना मामा, 6 लोग हैं, तो हम ये करते हैं। सो इतना आप लोग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मामा, हमने बटर लिया तो बटर की प्राइस कितनी होगी? 400, लेट्स से 400-500 रख लो। 3 डेरी मिल्क रख लो, वो कितना होता है? टुगेदर इज 1000, ठीक है, 1000 यू मेक अ 2 टाइम। 1000 में आप ब्राउनी बना सकते हो, वाह। और लाइक फॉर अ स्मॉल फैमिली आई बिलीव 1000 इट्स वेरी, ये आप लोग अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हो, एवरी वीकेंड बना सकते हो। यार प्लीज, एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग जब भी चॉकलेट को मेल्ट करो एक नॉन स्टिक पॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम पॉट पर रखोगे है ना मम तो वो चिपक जाएगी। तो अगर पॉट नहीं है तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पर कर लो। ये मेल्ट हो रहा है बटर जब तक, एंड वी आर घुमाओ, फाइन घुमाओ, जिंदगी में कुछ नहीं हो हमारे हुक्मरानों की तरह, मुल्क को घुमाओ, अपनी तपेली घुमाओ, चमचा घुमाओ। और ये बहुत डेंजरस होता है, आई बिलीव चॉकलेट गर्म होती है बहुत डेंजरस होता है, तो माइंड किया करें। बेबी वेलकम टू द चॉकलेट वर्ल्ड। सो यस गाइस, मैं दूसरी जगह पर वो चीज़ें तैयार करती हूँ जब तक ये ठंडा हो रहा है और बेहतर हो रहा है। सो यस, क्या करे, यू आई यू गई। ओके जी गाइस, हम इस तरफ आ गए हैं, मिले मेरे छोटे वाले शेफ से। माशाल्लाह तुमने नोज अपने इतने प्यार से साफ किया, जाओ हाथ धो। एनीवेज आपके बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो एनीवेज, हमने 4 अंडे और ब्राउन शुगर, 2 कप ब्राउन शुगर। आप लोग किसी भी, ये कौन सी बाजार से आप ये ले सकते हो? नहीं, ये मेजरमेंट कप है। मेजरमेंट कप, लेकिन कहाँ मिलता है? एवरीवेयर यू गेट इट, सो महंगा भी नहीं है। और मेजरमेंट कप आई बिलीव होना चाहिए, इंसान को पता होता है। तो ये हमने 2 कप ये वाला
ब्राउन शुगर डाल दिया। चलो जी से हाय। क्या बना रहे हैं हम? ओके जी चलो आहे होल्ड इट आराम से। ओके आराम आराम से। जी वाओ दैट्स वेरी नाइस। ओके जी ये इतना आप लोग देख रहे हो ये इतना सा फ्लफी हो गया है। बाय द वे मैं आप लोग को सामान बता दूं और ये क्या है सामान। दिस इज एवरीडे ठीक है। दिस इज पाउडर। दिस इज कॉफी। हमने कॉफी को पहले से मेल्ट किया हुआ। ये कोको पाउडर है और ये दूध है ठीक है। एंड देन दिस इज वनीला एसेंस जो बहुत जरूरी होता है ठीक है। तो हाँ कोको पाउडर वो कोना वाला यस yes. तो हम इतना सा कोको पाउडर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर थोड़ा सा और ऐड करें। ओह वेट 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 अभी तो रुक जाओ। सो बेसिकली हमने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर किया है। गाइस मैं इसलिए बता रही हूँ जो बंदी इतना पकाती नहीं है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस में कुछ बना सकती है तो आप लोग तो मुझसे कई ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। ओके okay, जी ये हो गया मम्मा। और ये क्या है? ये बात का है। ओके अभी हम कॉफी डालेंगे। कॉफी इज गोना एनहांस द चॉकलेट। ओके आपको पता है बचपन में मैं और मेरी बहन इनके पीछे ना अम्मी जब कुकिंग करती थी हमें ये एक एक दे देती थी और हम बैठ कर चाट रहे होते थे पता नहीं क्यों छोटी छोटी ख्वाहिशें। ये कितना है मम्मा? 3 टेबलस्पून एवरी डे। तो इसको बेसिकली खाली ही करना है। तो देख रहे हैं हमने ये कर लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओके जी ये जो हाथ आप लोग देख रहे हैं ये मेरी मॉम का हाथ है। उनको कैबिनेट्स बिल्कुल गंदे अच्छे नहीं लगते। वो उनकी वो खाना पकाती है वो एक चीज़ करेगी वो बर्तन धो लेंगी वो इसी तरह करती रहती है। तो मैं आप लोग को बता दूँ ये हमने कर लिया। हमने वनीला एसेंस भी डाल दिया है ठीक है। और अब बारी है इसकी तो 1.5। आप ये वाली चम्मच है ना जाकर ये आप लोग शॉक होंगे क्रिंग ये हम बना रहे हैं 1000 में। ये सब कुछ बन रहा है लाइक 1000 में आप लोग अच्छा खासा कुका बना सकते हैं। कुकीज बना सकते हो ब्राउनी कुकी ये चीजें बना सकते हो। बिस्मिल्लाह आहिल तैयार हो? सो मैं आप लोग को बता दूं ये हो गया बच्चों के लिए जूलियत का तो 1/2 कप मिल्क बिल्कुल 1/2 कप ठीक है। बिस्मिल्लाह एंड बिस्मिल्लाह बाबा अभी रुक जाओ। बिस्मिल्लाह कर इसको हम यहाँ करेंगे लेकिन माइक्रोवेव पर ये जा सकते हैं। कुछ माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें भी आप लोग ये बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप बोलो कि हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं आप बना सकते हैं। बनाने वाले बनो। गुड हम जाएंगे हमारे प्यारे से वो क्या खिलाते हैं उसको अंदर रखने के लिए। हमारी ब्राउनी हो गई है तैयार। अब बारी है अवन की। ओके जी अब हमने हमें सिर्फ यहाँ से वहाँ का सफर करना है और ये सफर हम करेंगे बड़ी शान से। और इसको हम मम्मा सीधा या साइडवेज इस तरह ना बिल्कुल आप बीच में लेते हैं एंड क्लोज द डोर। इट्स डन। अब इंशाल्लाह इसको हम कितने मिनट बाद निकालेंगे मामा? 35 मिनट्स बाद। आप लोग थोड़ा सा चेकिंग भी कर लिया करो अगर आप थोड़ा सा वो कुछ कोई फॉक या वो अगर आप वो स्टिक इन करो उसको स्टैप कर लो हल्का सा तो निकालोगे पका हुआ होगा तो वो कुछ नहीं होगा क्लियर होगा और अगर नहीं पका हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा इसका पीस नज़र आ रहा होगा। सो यस 35 मिनट्स बाद आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है और मैं आज क्या खाऊँगी नेटफ्लिक्स के साथ। ओके जी ठंडा हो गया ये। अब हम इसको काटेंगे
अब छोटे स्लाइसेस बहुत अच्छे होते इसके साथ से, यस। ये छोटा भी कर लेना। हमने ज्यादा स्मॉल स्लाइसेस कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बेबीज है। ओह माय गॉड, दिखाओ तो सामने छोटे छोटे बेबीज कैसे ये रहे।